नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। निकाय चुनावों में ओवरऑल भले ही कांग्रेस ने जीत हासिल कर लियो, बढ़त बना लियो, लेकिन तीनों नगर निगमों में वो बीजेपी से पिछड़ गई है। हालांकि उदयपुर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, तो वहीं बीकानेर में बीजेपी बहुमत के बहुत करीब है, जबकि भरतपुर में बीजेपी और निर्दलीय बराबरी पर रहे। आपको बता दें कि उदयपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में 43 वार्डों में बीजेपी, 20 में कांग्रेस और 7 पर अन्य प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जिसके बाद महापौर पद के लिए जीएस टाक का नाम सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि उनके नाम की सिर्फ औपचारिक घोषणा ही होनी बाकी है। तो वहीं बीकानेर नगर निगम के 80 वार्डों में से बीजेपी ने 38 वार्डों में जीत का परचम फहराया, जिसके बाद बीजेपी ने मेयर पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है। फिलहाल बीकानेर में मेयर के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तो बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर नगर निगम के परिणाम अलग तरीके के आए हैं। यहां कुल 65 वार्डों में से 22 पर बीजेपी और निर्दलियों ने कब्जा जमाया, तो वहीं कांग्रेस 18 वार्डों में सिमट कर रह गई है। तो वही बीकानेर से कांग्रेस से मेयर पद के दावेदार सुरेश यादव 98 मतों से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश से चुनाव हार गए, जिसके बाद भरतपुर में भी मेयर पद के लिए जोरदार जोर आजमाइश हो रही है। आपको बता दें कि पार्षद चुने जाने के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 नवंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 नवंबर को करवाया जाएगा। इन चुनावों के नतीजों को काफी अहम माना जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भरतपुर से हमारे संवाददाता कपिल वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, जिस प्रकार से भरतपुर में निकाय चुनावों के लिए जो राजनीतिक द्वंद्वता जो अब चलेगी, हालांकि सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि मेयर पद का चेहरा कौन होगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी तक भरतपुर में मेयर पद के लिए 4 नाम आ चुके हैं जी, और 4 नामों में कांग्रेस की तरफ से जो नाम आया है, सबसे बड़ा नाम एक नाम आया है अभिजीत कुमार जाटव का, जो रिटायर्ड IRS अधिकारी हैं और सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं भाजपा की ओर से जो आपसी फूटतान के बाद इज्जत बचाने के लिए नामांकन भरवाए गए हैं, उनमें नरेश जाटव, जिन्होंने डॉक्टर सुरेश यादव जो मेयर पद के दावेदार थे कांग्रेस को, उनको हराकर वार्ड नंबर 37 से चुनाव जीते हैं, शिवानी दायमा सहित एक दिलकेश कुमारी हैं। तीन नाम, ये 4 नाम आए हैं, चारों लोग आज फॉर्म भरेंगे। जी बिल्कुल कपिल, और दूसरी सबसे बड़ी बात, भाजपा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और जो आपसी फूट वहां पर है उसके लिए एक तटस्थता वाला एक रास्ता अपनाया, तो आपको क्या लगता है कि वो इसमें कामयाब हो पाएगी, अपना मेयर बना पाएगी? जी, मैं आपको बताऊं, भाजपा प्रदेश नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद राजस्थान में कहीं ना कहीं ये बखराब की स्थिति थी, जहां भी वसुंधरा राजे के जो मंत्री थे, जो खास कृपा सलाहकारों में गिनती होती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पिछड़ी है। वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भरतपुर सहित पूरे राजस्थान में एक हाशिए पर खड़ी नजर आई। भरतपुर नगर निगम की बात करें, नगर निगम में टिकट वितरण के बाद समय से ही भाजपा में स्पष्ट रूप से गुटवाई नजर आ रही थी। पार्टी के कुछ नेताओं ने खुलेआम इसका विरोध भी किया, हालांकि कांग्रेस ने भी टिकट वितरण को लेकर विरोध कम नहीं था, भाजपा के कम सीट आना भी उसी का परिणाम था। लेकिन जिले से 3 मंत्रियों ने इस चीज को भांपते हुए एकजुटता के साथ वोटर संभाला, इसी का नतीजा है कि चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों ने गली मोहल्लों में नुक्कड़ सभा कर स्थिति को मजबूत किया। वहीं चुनाव परिणाम आने के बाद तय रणनीति के तहत अपने पार्षदों के साथ निर्दलियों को भी साधने में काफी हद तक कामयाब रहे, जबकि भाजपा शुरुआत में अपने उम्मीदवारों को दल बदल से बचाने के लिए बाड़ेबंदी की, लेकिन नतीजे आने के बाद धनबल के अभाव में नहीं संभाल पाई। वहीं भाजपा अलग अलग गुटों में नजर आई, इसी का फायदा कांग्रेस उठाने में सफल रही। वहीं न्यूज इंडिया ने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कांग्रेस के धनबल का,
और कांग्रेस में जिस तरीके से राज्य में विधायकों का विलय हुआ था कांग्रेस में, उसी तरीके से भरतपुर में भी संभावना व्यक्त की थी। वहीं न्यूज इंडिया की खबर पर सबसे पहले मोहर भी लगी थी और वहीं बसपा के जो 3 नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्होंने कांग्रेस में समर्थन देने की घोषणा की। वहीं भाजपा के 3 पार्षद भी कांग्रेस के खेमे में पहुंच चुके हैं। वही गुप्त सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है वो सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि भरतपुर में जो एक बड़े नेताजी का नाम जो कांग्रेस के लिए आया है सामने, उन्होंने 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जयपुर के अंदर अभी परसों रात को ही बेची थी और चुनाव जीतने के बाद सीधे जयपुर चले गए थे। जी जी बिल्कुल कपिल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भाजपा को खेमेबाजी का जो यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है और उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिल गया। हालांकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार के जो काम है उसकी वजह से भाजपा को हार मिली है और उन्होंने जो भी डोर टू डोर अभियान चलाया उस वजह से कांग्रेस को जीत मिली। खैर कपिल, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सीनियर एडिटर अतुल एहसास जी भी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस प्रकार से भरतपुर में मेयर पद को लेकर जो खींचतान हो रही है भाजपा में, हालांकि कांग्रेस तो एकदम क्लियर है लेकिन भाजपा में जिस तरह से खींचतान हो रही है, क्या आपको लगता है कि भाजपा के नए चुने गए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी माथापच्ची का ये काम है? उमंग, एक चीज जो सबसे बड़ी बात है भरतपुर को लेकर, जिस तरीके से बात कर रहे थे और कपिल वर्सेस जिस तरीके से बता रहे थे कि 25 साल से जो लगातार काबिज रहा बीजेपी के कोड के रूप में भरतपुर, वो कहीं ना कहीं बहता हुआ किला नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं भी जिस तरीके से जो बाकी जितने भी वहां पर जो कि चाहे बीजेपी से बागी होके और वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव लड़ने के बाद अभी भी बीजेपी उनको साथ नहीं पाई है किसी भी तरीके से। वो कांग्रेस में जाने के लिए आमादा है तो कांग्रेस का कोर बनने की कहीं से कहीं तक तैयारी है। ये अलग बात है कि वहां पर बहुत सारे मंत्री, चाहे विश्वेंद्र सिंह है, बाकी जो पीछे भी बड़े मंत्री हैं, वो सब वहां पर लगे हुए हैं और वो अपने गुट की तरीके पूरी तैयारी करने में, और वो लोग आश्वस्त भी हैं किसी भी तरीके से कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड भरतपुर में बनेगा, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह का अपना एक प्रभुत्व है वहां पर। और इसी तरीके से अगर उस प्रभुत्व के चलते हुए, और आपने एक सवाल मेरे से पूछा कि सतीश पूनिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अभी बने हैं, उनके कहीं लिए कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है, वाकई में उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर जो खेमेबंदी हुई है बीजेपी की, वो खेमेबंदी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अक्सर ये कहा जा रहा था कि अवर कल जब हम बाकी लोगों से भी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर ये चुनाव लड़ने की बात हुई और बाकी जगह पे बात हुई, परंतु एक चीज और निकल कर आई जब मैं इन सारी चीजों पर हमारे जो सहयोगी है राकेश से जब बात कर रहा था, तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी के जितने भी आलाकमान नेता हैं उनकी निष्क्रियता यहाँ पर झलक रही है। देखिए, अब अगर हम भरतपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर भी निष्क्रियता कहीं ना कहीं थी, क्योंकि बीजेपी का एक कोई बहुत बड़ा चेहरा, कोई बहुत बड़े नेता ने वहां पर कोई अपनी अच्छे तरीके से वहां पर भूमिका नहीं निभाई। तो ये सतीश पूनिया पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो क्या इस निष्क्रियता को खत्म नहीं कर सकता है? क्या जितने भी आलाकमान नेता हैं उनके साथ बैठकर उनकी मीटिंग्स नहीं हुई इस निकाय चुनाव को लेकर के? निकाय चुनाव सामने खड़े हैं, क्या आप लोग कितनी उसमें भागीदारिता निभाएंगे? ये सारे कहीं ना कहीं अंदर खेमे में होते हुए विरोध को दर्शाता है और ये सतीश पूनिया के लिए घातक होगा आने वाले समय। जी बिल्कुल अतुल जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, चुनावों से पहले ही लगभग भाजपा ने जीत सकने वाले 42 उम्मीदवारों को मथुरा में पहुंचा दिया था बाड़ेबंदी के डर से, और साफ तौर पर कहा भी था कि जब मेयर पद का चुनाव होगा 26 नवंबर को उसी समय उनको वहां पर ले जाया जाएगा, यानी कि शपथ ग्रहण के समय। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के अंदर जो खेमेबाजी है, और सबसे बड़ी बात जो 14 निर्दलीय है, उनके लिए भाजपा को डर सता रहा है कि कहीं वो विरोधी खेमे में जाके ना बैठ जाए, जैसे कि जयपुर मेयर चुनाव के समय हुआ था? नहीं बिल्कुल, ये डर तो सता ही रहा है, क्योंकि जो बागी, मैंने आपको कहा ना, जो बीजेपी से बागी होके चुनाव लड़े और निर्दलीय के रूप में जीत के आए, इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ तो प्रभुत्व तो था ही, सभी वो बार बार टिकट मांग रहे थे बीजेपी से। अगर बीजेपी ने अपनी विरोधाभास नीति के अनुसार अगर उन्हें टिकट नहीं दिया और आज उस खामियाजों को भुगत रही है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मंथन करना पड़ेगा, आने वाले चुनावों के लिए भी मंथन करना पड़ेगा। जो आप बाकी बच्चे भी चुनाव हैं, चाहे वो जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, या बाकी जितने भी चुनाव अभी बाकी हैं निकाय चुनाव, उसमें बैठ के इनको मंथन करना पड़ेगा और वापिस पुनः पुरजोर तरीके से लगना पड़ेगा। ये अलग बात है कि अगर वो इस मुगालते में रहे हैं कि हमने 25 की 25 सीटें लोकसभा में ले ली या विधानसभा में, चलिए हमने विधानसभा में नहीं आ पाए, परंतु उसके बाद में, परंतु वो जो लोकसभा चुनाव था वो तो आपने मोदी के चेहरे पे जीता, वो राष्ट्रवाद पे जीता है, वो धारा 370 पे जीता है, वो जो जीते हैं वो सारे चुनाव आपने उस पे जीते हैं, नहीं कि आपने मूलभूत सुविधाओं पे चुनाव जीते हैं।
नहीं कि आपने सड़क और पानी बिजली की समस्याओं पे चुनाव जीते हैं। जी। ये जो निकाय चुनाव है ये सड़क पानी बिजली और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव जीते जाते हैं या लड़े जाते हैं, ये चीज बीजेपी शायद भूल गई थी और शायद इस चीज को भुनाने में कांग्रेस सफल रही। उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया, ग्राउंड लेवल पे बात करी। हमारे जो सहयोगी हैं रहमत, वो आप जब हमारी बात हो रही थी तब बोले कि EWS का बहुत बड़ा स्वर्ण आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस बार इन चुनावों में। अगर इस स्वर्ण आरक्षण का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है तो वाकई में फिर बीजेपी जो कि केंद्र की स्कीम है, जी केंद्र ने इस चीज को किया। और लेकिन अतुल जी बात कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ। जैसे अभी आपने स्वर्ण आरक्षण की बात करी और इसका फर्क पड़ना चाहिए था, हालांकि केंद्र की स्कीम है, लेकिन जैसा कि अभी आपने ही बताया कि जो नेतृत्व है जो प्रचार में लगा था बीजेपी की ओर से, उसने इन सारी जो बुनियादी चीजें थी जो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और जो राज्यों में और निकाय स्तर पर भी जनता के लिए लाभदायक थी, शायद भाजपा को उनको भुनाने में कहीं ना कहीं चूक हो गई। जैसे आयुष्मान योजना की हम बात करें, स्वर्ण आरक्षण की हम बात करें, ये सारी चीजों पर ध्यान ना देकर बीजेपी ने जो केंद्र के जो मुद्दे हैं, धारा 370 है, राम मंदिर है, इन्हीं चीजों को, एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, इन्हीं सबको बार बार कहा और कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण किए गए, 70 साल की उनकी राजनीति का कंपैरिजन किया गया। तो शायद कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का ना कि विधानसभा चुनाव में बल्कि निकाय चुनाव में भी स्थिति बीजेपी की ऐसी हो गई है कि उन्हें निर्दलियों के सहारे वोट बनाना पड़ रहा है। निर्दलियों के सारे बोर्ड बनाना पड़ रहा है, बहुत सारी जगह है जहां पर कि कांग्रेस सीधा सीधा अपना बोर्ड बना रही है, जहां की अपने स्पष्ट बहुमत के साथ आई है। ये कारण क्या है ये देखने की बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से सतीश पूनिया से जब कल बात हुई हमारे संवाददाता की, तो उन्होंने कहा कि जनादेश को हम मानते हैं। चलिए, तो हर चुनाव के बाद में जो जीतती है पार्टी वो भी यही बोलती है कि हम जनादेश को मानते हैं, जो हारती है वो भी यही मानती है कि हम जनादेश को मानते हैं। परंतु आप क्या ये मानने के लिए तैयार हैं कि आपने जो आज की डेट में इस चीज उमंग आपके मोहल्ले में अगर कहीं सीवरेज का प्रॉब्लम है, रोड लाइट का प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है, वहां पे उसको सुधारने की बात कीजिए ना। आप वहां धारा 370 की बात करेंगे या बालाकोट की बात करेंगे या और किसी की बात करेंगे तो उससे ये सारी समस्याएं तो नहीं सुधरने वाली ना। तो आपको ग्राउंड लेवल पे बात करनी पड़ेगी और इसके अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको साधने में सफल रही है इन सारी चीजों को। बिल्कुल, आपने कहा कि जो केंद्र की जो स्कीम्स थी, चाहे आयुष्मान योजना थी या बाकी जो योजनाएं थी, इनको कहीं ना कहीं अपने तरीके से कांग्रेस ने नए जुमले के साथ लोगों तक पेश किया और उसको कहीं ना कहीं भुना पाए। बिल्कुल सही बात है अतुल जी, क्योंकि जिस प्रकार से हर मंच से भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या उस निकाय का स्थानीय नेता हो, उन्होंने केंद्र की स्कीम को, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने तरीके से बुना लिया जो कि भाजपा नहीं बुना पाई। अतुल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ उदयपुर से अभिषेक जोशी भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उदयपुर में एक तरफा बहुमत मिला है तो क्या आपको लगता है कि जो नेतृत्व है वहां पर, गुलाब चंद कटारिया एक बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम का भी कुछ वहां पर असर हुआ है इस बहुमत को मिलने में, क्या कहेंगे आप? सर बताना चाहूंगा कि उदयपुर शहर में कहने को तो 44 सीटों पर बीजेपी है और बहुमत भी बीजेपी को मिला है, लेकिन अगर इसका पिछला कार्यकाल देखा जाए और पिछला बोर्ड अगर देखा जाए तो पिछले बोर्ड में 55 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व था और मात्र 3 सीटें जो थी वो कांग्रेस के पाले में थी। लेकिन इस बार 44 सीटों पर बहुमत तो मिला है लेकिन विपक्ष काफी मजबूत है, 3 सीटों से लेकर 20 सीटों पर जो है वो कांग्रेस इस बार है। तो ये कहीं ना कहीं पिछले बोर्ड का जो फेलियर है वो उसका जो आक्रोश था जनता का और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में जाता हुआ नजर आया है। बिल्कुल अभिषेक, और सबसे बड़ी बात है अतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, जिस प्रकार से अभिषेक ने कहा कि पिछले बोर्ड की असफलता का खामियाजा भुगतना पड़ा है और हम इस बात को अगर एक बार को नजरअंदाज करें, पिछले बोर्ड की जो भी असफलता हुई, लेकिन सबसे मुख्य बात यही है कि बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसी चीज का खामियाजा उसे हर जगह उसको उठाना पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखो उमंग, इसमें सीधा सीधा जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं उदयपुर की कहानी को, अभी बीजेपी में कांग्रेस ने जिस तरीके से झील प्राधिकरण को लेकर बात की, अभिषेक भी इससे कहीं ना कहीं गवाह है सारी बातों को, कि झील प्राधिकरण के ऑफिस को जयपुर से उठा के उदयपुर लाने की बात की गई, क्योंकि झीलों को लेके, झीलों के संरक्षण को लेकर उदयपुर एक सबसे बड़ा मुद्दे का केंद्र रहा। अगर इन सारी चीजों पे कांग्रेस ने ये दावा किया कि अगर हमारा बोर्ड बनता है तो झील प्राधिकरण को क्या जो ऑफिस है जयपुर में उसको उदयपुर लेकर आ जाएंगे, जिन सारी चीजों को लेकर और वहां की जो लोकल समस्याएं थी उन समस्याओं से उदयपुर कहीं ना कहीं जूझता रहा, सफाई को लेकर जूझता रहा, सड़कों को लेकर जूझता रहा, बिजली को लेकर जूझता रहा, सीवरेज को लेकर जूझता रहा,
ये सारी चीजों को लेकर जो पिछले इतने सालों से जहां पर बीजेपी का वोट काबिज था उदयपुर में, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। और ये परिवर्तन का सबसे बड़ा मुद्दा, केंद्रीय मुद्दों में उलझे रहे वो। हाँ, केंद्रीय मुद्दों में उलझे रहे। और सबसे बड़ी बात ये रहा कि बीजेपी, देखिए वोट भले बीजेपी का बन रहा हो, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया की साख लगी हुई थी, अर्जुन राम मेघवाल वहां पर थे, वहां पर किरण माहेश्वरी वहां पर थी, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो वहां पर लगे हुए थे। उसके बाद अगर आपका वोट परसेंटेज गिरता है तो ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आपकी सीटें कम होती है, आपका वोट परसेंटेज गिरता है, लोगों के अंदर से आपके प्रति जो आस्था थी, आपके प्रति जो जो प्यार था वो खत्म हो रहा है। धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो रही है, तो इन बड़े नेताओं का वहाँ होना और ना होना कोई बड़ी बात नहीं। जी बिल्कुल अतुल जी, अभी आपने गुलाबचंद कटारिया, अर्जुन राम मेघवाल, किरण माहेश्वरी की बात करी जो कि उदयपुर में लगे रहे और दिग्गज नेतृत्व अगर वहां पर लगा रहा तो उसका ठीक है, वोटिंग परसेंटेज गिरा है लेकिन बहुमत आ गया, तो यही कमी क्या भरतपुर में भी सामने आई है? बहुत बड़े बहुमत, बहुत बड़े उसके साथ आपको अपोजिशन में कांग्रेस बहुत बड़े लेवल पे आके खड़ी हुई है जी, 3-20 पे आना काफी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इससे इससे उमंग एक चीज सीधी सीधी ये लगती है कि आपका वोट परसेंटेज मतलब लोगों की मानसिकता में कहीं ना कहीं आप जो लोकल मुद्दे हैं उन पे पिछड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात अतुल जी की, जिस प्रकार से एक निकाय में तो आपने इतने दिग्गज खड़े कर दिए, वहीं दूसरे निकाय में आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया या आप लापरवाह हो गए, जैसे उमंग आप चले जाए राजेंद्र सिंह राठौड़ वाली पे उधर चले जाए, वहां पे आपने खत्म कर लिया, इतने बड़े मंत्री रहे उन्होंने, आपने अपने सब कुछ खत्म किया, तो ये सारी चीजें तो है क्या आप? जी बिल्कुल अतुल जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप हमारे साथ बने रहिए, बीकानेर से भी हमारे साथ संवाददाता किशोर जुड़ चुके हैं। किशोर, जिस प्रकार से बीकानेर में भी अब मेयर पद का फैसला होना बाकी है, तो क्या कुछ अपडेट है मेयर पद को लेकर, क्या कुछ खींचतान वहां पर हो रही है बीकानेर में? ये मुझे बताना चाहूंगा, बीकानेर में मेयर पद की खींचतान लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भाजपा के पास 38 पार्षद जीते हुए थे और 5 निर्दलीय पार्षदों ने उनको समर्थन दे दिया। इस प्रकार बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो भाजपा ने कवर कर लिया, 41 की जगह उन्होंने 43 पार्षद इकट्ठे कर लिए हैं और वो कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से घोषणा करने की संभावना है। वैसे भाजपा ने लगभग नाम भी तय कर लिया, सुशीला कंवर साथ पुरोहित है, उसको भाजपा अपनी तरफ से उम्मीदवार घोषित करेगी और लगभग इस नाम के ऊपर एकमत भी हो चुके हैं। अभी भाजपा की बाड़ेबंदी सिरसा में की गई है और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद सिरसा में मौजूद है पार्षदों के साथ और वहाँ लगभग एक इस नाम पे सुशीला कंवर राजपुरोहित के नाम के ऊपर सहमति बन चुकी है। सुशीला कंवर राजपुरोहित का ससुर है वो गुमान सिंह राजपुरोहित, वो भाजपा के दिग्गज नेता है और पूर्व विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे, शायद उसी का परिणाम है कि आज उसी गुमान सिंह राजपुरोहित के परिवार के यहाँ से महापौर का पद दिया जा रहा है सुशीला कंवर राजपुरोहित को। तो ये अर्जुन राम मेघवाल की उस वफादारी का ही परिणाम लग रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल जी ने उनको अपनी वफादारी का परिणाम दिया है और सुशीला कंवर राजपुरोहित को इसका भाजपा का उम्मीदवार बनाया। उसी दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार अंजना खत्री है उसको बनाया है और लगभग अंजना खत्री का नाम तय है, तो दोनों तरफ से उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। जी मतलब महिला कार्ड यहाँ पे खेला जा रहा है? नहीं, महिला की सीट आरक्षित है बीकानेर महापौर की। जी जी बिल्कुल किशोर, आप हमारे साथ बने रहिए। अतुल जी, जिस प्रकार से बीकानेर की स्थिति किशोर ने बयां की है कि वहां पर लगातार जनसंपर्क अर्जुन राम मेघवाल के साथ में गुमान सिंह जी भी लगे हुए थे और इसी का परिणाम शायद वहां पर बीजेपी को अच्छा मिला है, तो क्या यही कुछ चूक जो अदर जो निकाय थे वहां पर बीजेपी से हो गई, क्या कहेंगे आप? लगता है अतुल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभिषेक, हम आपके पास आएंगे उदयपुर में, हालांकि बीजेपी को बहुमत मिल गया है और मेयर पद के लिए क्या कुछ वहां पर अभी कार्यवाही चल रही है। अभिषेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। कपिल, आपके पास हम आना चाहेंगे। भरतपुर में जिस प्रकार से खींचातानी चल रही है मेयर पद को लेके, कहीं ना कहीं बीजेपी तो जहां बेचैन है वहीं क्या कांग्रेस के लिए आसान होगा वहां पर मेयर पद का चेहरा घोषित करना? नहीं, कांग्रेस ने अपना जो मेयर पद का जो उम्मीदवार है सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुना है, कि दो व्यक्ति के नाम आए जिससे उनसे ही डॉक्टर सुरेश यादव और रिटायर्ड IRS अधिकारी हैं अभिजीत कुमार जाटव। जहां अभिजीत कुमार जाटव जीते हैं जो सांसद का चुनाव लड़े थे, वहीं डॉक्टर सुरेश यादव जो सांसद का चुनाव हारने के बावजूद भी पार्षदी का भी चुनाव हार गए हैं, तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक चेहरा रह गया है और कांग्रेस का जो मामला है वो जोड़ तोड़ की राजनीति और दलबल के आधार पर है और कहीं ना कहीं इस जो भरतपुर में 2 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं जिनमें से दोनों मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह
और सुभाषगर दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और दोनों के हाथ में ही है ये नगर निगम में मेयर बनाने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने जहां चैनमारी के चलते जो अपना जो पहले भरतपुर में कैंप किया हुआ था अब वो कैंप भी चेंज कर दिया। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि 49 पार्षद होने के बावजूद भी जहां कांग्रेस और बसपा ने उनको समर्थन दिया था पार्षदों ने तो उनको निर्दलीयों ने दिया था लेकिन अब जहां भाजपा मैदान में आके डट गई है मैदान में तीन तीन उम्मीदवार खड़े किए लेकिन जो अशदेव देवनानी है भजन लाल है जो प्रदेश महामंत्री है दोनों जयपुर पहुंच चुके हैं और दोनों ने कहीं ना कहीं पार्टी की प्रतिष्ठा को दांव पर बताते हुए कैंपेनिंग का काम भी नए सिरे से शुरू कर दिया है। हालांकि मतदान 26 तारीख को होगा लेकिन आज नामांकन की है और कल नामांकन वापसी की तारीख है उसके बाद में अभी पार्टी के पास कहीं ना कहीं समय है पर इसका परिणाम ये आएगा सामने कि जो पार्टी है वो जयपुर पहुंच चुकी है। जयपुर पहुंचने के बाद में कल उनको शिफ्ट किया गया था बताया जा रहा है जेएलएन मार्ग पर एक यूनिवर्सिटी में का जो गेस्ट हाउस है वहां पर 49 पार्षदों को ठहराया गया है। इसमें निर्दलियों के अलावा भाजपा और बसपा के पार्षद भी हैं। कांग्रेस ने की दोहरी रणनीति बनाई गई है। भरतपुर में जो पर्यटन मंत्री हैं जो विश्वेंद्र सिंह वो और जयपुर में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाषकर कैंपेनिंग पर नजर रखेगी है इसलिए सुभाषकर सुबह ही एक वीडियो कोच बस से और तीन टैक्सियों में पार्षदों को पुलिस सुरक्षा में जयपुर लेकर गए थे। वहीं निर्दलीय सरकार अभियान के जो संयोजक थे और जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे पार्षद संजय शुक्ला थे उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष जो प्रभारी खानू खान जो बुधवारी से वार्ता के बाद कांग्रेस को समर्थन दिया उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी जो 22वीं घोषणा पत्र है उसके आपने सहमति बनने के बाद हमें समर्थन दिया है। उन्होंने दावा किया कि निर्दलीय सरकार अभियान से जुड़े जो 16 पार्षद हैं वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि 16 जो पार्षद हैं संजय शुक्ला के समर्थन वाले वो तीन बसपा के और तीन भाजपा के ये टोटल 22 ये हो गए और 18 कांग्रेस के तो स्पष्ट है कि 69 सदस्यीय बोर्ड में जहां 49 सदस्यों का जहां कांग्रेस के पास समर्थन है तो मेयर कांग्रेस का बनना तय है। जी बिल्कुल कपिल आप हमारे साथ बने रहिए। किशोर हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जिस प्रकार से अभी कपिल ने भी बताया कि भरतपुर में किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है हालांकि दोनों ही पार्टियों को डर जरूर सताया है और तभी इतनी बाड़ेबंदी की गई है पार्षदों को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया और उनको छुपाया गया एक तरीके से उनकी घेराबंदी कर दी गई है ताकि विरोधी पक्ष उनको बरगला ना सके तो बीकानेर में क्या कुछ स्थिति है। बताना चाहूंगा बीकानेर में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए चुनाव संपन्न होते ही इनको एक निजी होटल में ठहराया गया और कल शाम को ही इनको सभी भाजपा पार्षदों को एक साथ बस के माध्यम से यहाँ से हरियाणा के सिरसा ले जाया गया और सिरसा के एक निजी होटल में ठहराया गया है। वहां से आज केवल वो नामांकन दाखिल करने के लिए जो मेयर के उम्मीदवार होंगे उसी को बीकानेर लाया जाएगा। बाकी जितने भी पार्षद के उम्मीदवार है पार्षद है वो सारे के सारे सिरसा में रुके हुए रहेंगे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रभारी मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी खुद वहां सिरसा में मौजूद है और उनके साथ पार्षदों के साथ मीटिंगें ले रहे हैं। अभी उस नामों के ऊपर लगभग फाइनल हो चुका है। सुशीला कंवर राजपुरोहित का नाम वहां से फाइनल हो चुका है और सुशीला कंवर राजपुरोहित को ही बीकानेर लाया जाएगा जो नामांकन दाखिल करेगी मेयर का। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है और वहां से भी केवल अंजना खत्री है उसको बीकानेर लाया जाएगा और वो पार्षद का मेयर का नामांकन दाखिल करेगी। बीकानेर मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित है इसलिए दोनों ही पार्टियां महिला को नाम तय कर चुकी है। हालांकि जादुई आंकड़ा जो है मेयर बनने का वो भाजपा के पास है क्योंकि 38 भाजपा के खुद के हैं और इनको कुल 41 सीटें तो 5 निर्दलीय इनके समर्थन में आ चुके तो कुल मिला के 43 पार्षद इनके पक्ष में है। अब ये देखना है कि भीतरघात अगर नहीं हुई तो भाजपा का मेयर बनना लगभग तय है और मेयर जो सुशीला कंवर राजपुरोहित है वही बनना तय है। सुशीला कंवर राजपुरोहित को मेयर इसलिए बनाया गया है क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुमान सिंह राजपुरोहित जो भाजपा के बड़े नेता है और देवी सिंह भाटी की खिलाफत के बावजूद भी उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल का खुलकर साथ दिया जी बिल्कुल शायद इसी चीज का फायदा भी बीजेपी को और सुशीला को वहां से मिला है। खैर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात ये होगी जिस प्रकार से मेयर पद के लिए ने तीन निकायों में जो खींचतान चल रही है हालांकि लगभग लगभग नाम तय हो चुके हैं कहीं कहीं विरोध भी है लेकिन उसको भी पाटा जा रहा है उस विरोध को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। लेकिन अब आगे आने वाले जिन भी निकायों में चुनाव है जैसा कि हमारे सीनियर एडिटर अतुल एहसास जी ने कहा था कि आगे आने वाले चुनावों के लिए भाजपा को इससे सीखना होगा कि उससे इन निकाय चुनावों में कहाँ पर कमी रह गई वरना हाल जो यहाँ हुआ है वही हाल वहाँ भी हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।